बट यस ऐसा आया था मेरी लाइफ में फेज कि मुझे थोड़े बहुत ऑफर आए थे और मैं चली भी गई थी कि हाँ चलो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो एपिक स्टोरी है ये, क्या सुनाएगी? मैं सुनाता हूँ। द हिमाचली पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय शूलिनी ऑनलाइन डिग्रीज, इंडियाज बेस्ट जॉब ओरिएंटेड ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स। नैना, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी वाइफ ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, सो वो क्वेश्चन है कि हम क्या बहुत जल्दी नैना को किसी वेब सीरीज में या किसी टीवी सीरियल में या किसी बॉलीवुड की फिल्म में देख पाएंगे? देखो इतनी बड़ी तो एक्टर मैं हूं नहीं कि फिल्म वगैरह थोड़ी तो है, मतलब थोड़ी तो हूँ। बट यस ऐसा आया था मेरी लाइफ में फेज कि मुझे थोड़े बहुत ऑफर आए थे और मैं चली भी गई थी कि हाँ चलो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो एपिक स्टोरी है ये, क्या सुनाएगी? मैं सुनाता हूँ। जब इसने बिग बॉस किया ही था, तो बिग बॉस में ना इसकी इमेज मतलब बहुत ही ऐसी गई थी जैसी एक्चुअल में है, एकदम मतलब बोल देती बिना फिल्टर से। ये लड़ भी गई थी एक बार ऐसा तो हाँ, और ऐसे बड़ी मतलब मस्त मौला, ये जब उनकी लड़ाई देखती है ना और बाहर आती है स्विमिंग पूल में बैठ जाती टांगे ऐसे ऐसे करके, कहती है कैसे कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं, और वो इसको ध्यान ही नहीं है कि वो कैमरा पे रोल हो रहा है। मैं तो अकेली बैठी हूं, किसी से बातचीत होती है वो दिखाएंगे, अब खुद से बात कर रहा है वो कौन दिखाता है। और लोगों ने वो बहुत पसंद किया था कि यार कितनी क्लियर हार्टेड है। तो इसकी ना इमेज वैसी ही गई थी जैसी एक्चुअल में है, तो इसको मतलब काफी अच्छे ऑफर्स डायरेक्टर हाँ। हैं वो जिनसे आया था, टीवी शोज करे हैं उन्होंने पहले भी, तो नाम नहीं मैं लूंगा। सो उन्होंने कहीं वो बिग बॉस में तो नहीं जा चुके हैं पहले। तो उन्होंने इसको रीच आउट किया और हम मुंबई थे उस टाइम, तो उन्होंने इन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। तो ऐसे कैजुअल बाहर ही मिले, मतलब वो क्या था, वो क्लासेस जैसी जिसमें थोड़े बहुत एक्टिंग के स्किल सिखाते हैं, वो भी सब कुछ हमारा हो गया था। इनफैक्ट मेरे कपड़ों के मेजरमेंट्स जो ये पहले से मना कर रही थी कि भैया सर मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, मैं नहीं कर सकती, कहते सिर्फ 15 दिन का शूट है, OTT पे शो आएगा और काफी बड़ा और लीड रोल था, और कि जैसा मेरे को इमेज जैसा मेरे को पर्सनैलिटी चाहिए मेरे को मिल जाएंगे एक्टर्स भी काफी पुराने जो काफी सालों से काम कर रहे, लेकिन मेरे को नया चेहरा चाहिए और जो तू एक्चुअल में है ना वही कैरेक्टर है बिल्कुल वैसा है, तो मैं चाहता हूँ मेरी फर्स्ट चॉइस तू ही है। इसको बहुत कन्विंस किया, मेरे को बोला कि प्लीज रजत तू भी साथ आई हो ताकि इसको फैमिलियर लगे सेट पे, कि ऐसा ना लगे कि मैं कहाँ आ गई। तो मैं भी गया, 2-3 दिन इसके ड्रेस के रिहर्सल्स हो रहे और ये रोज मना करती भाई सर मैं नहीं करना चाहती। मुझे ना बहुत ऐसा था कि चलो सब बोल रहे तो कर लेती हूँ, पर एक अंतर्मन होता है ना कहीं वो मुझे रोक रहा था कि नहीं नैना तू क्या कर रही है, अब इसके चक्कर तुझे यहाँ पे इतने महीने रहना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो काफी टाइम तक तो मैंने सोचा कि मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी। इसने ये भी कहा कि मुझे ना मेरे को व्लॉग भी बनाने होते हैं, वो कहते तू वो भी बना लेना, कहते तू व्लॉग बना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं प्रोडक्शन से बात कर लूंगा, तू व्लॉग्स बना शो पे ही व्लॉग भी कर। बट फिर मुझे बड़ा मतलब उनको मना करते हुए बहुत बुरा लगा कि या तो एट फर्स्ट मुझे ही हानि करनी चाहिए थी, बट फिर मुझे ये हुआ कि मैं बीच शो में चली जाऊं। फिर अच्छा है कि अभी मना कर दिया, कि उन्होंने भी समझा कि ठीक है इट्स ओके, अगर तेरे को नहीं लग रहा है ना किक नहीं मिल, क्योंकि मेरे माइंड में ना सिंपल सी बात थी कि मुझे रहना तो हिमाचल में ही है, आप चाहे कुछ भी कर लो, 4 पैसे कम कमाऊंगी पर अपना सुख चैन शांति अमन सब कुछ यहीं पे ही है, ये मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं वापस आ गई। और यहाँ पे वही है कि ठीक है आराम से अपनी पेस से चले पर अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ऊपर से मैं आपको बताऊँ ना, मुझे बहुत फर्क पड़ता है मेरे अराउंड कैसे लोग हैं, जैसे घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, हमेशा पैम्पर्ड प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रही हूँ ना, तो अब मुझे ना कहीं ऐसा है कि मेरे आसपास के लोग भी वैसे ही हो, थोड़े अगर मेरे साथ थोड़े तेज लोग होते हैं ना, मेरे पहली बात तो समझ में नहीं आता है, दूसरी बात जब समझ में आता है तो बहुत लेट हो जाता है। इससे अच्छा है कि अपना सर्कल ही मैं बहुत लिमिटेड सा रखती हूँ।